सी शार्प प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको सी शार्प प्रोग्रामिंग के जरिए ये बताएंगे कि सी शार्प में दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। उससे पहले आप रिक्वायरमेंट समझो कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके पास फर्स्ट नंबर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लेके चलो, मेरे पास एक नंबर है 10, ठीक है। तो इस नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए वेरिएबल। तो एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा। फिर हमारे पास एक और नंबर होना चाहिए, सेकंड नंबर। तभी तो हम, कम से कम दो नंबर होगा तभी तो ऐड कर पाएंगे। मान लो दूसरा नंबर एग्जांपल के लिए 20 है। फिर क्या होगा, इसको भी स्टोर कराने के लिए, इस नंबर को स्टोर कराने के लिए हमारे पास एक और वेरिएबल होना चाहिए। मतलब जितना नंबर आप ऐड करना चाहते हैं आपके पास उतना वेरिएबल होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, तीसरा रिक्वायरमेंट, आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। आपको अपना आउटपुट देखना है, तो कैसे देखेंगे, आपको दोनों वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू वेरिएबल। दोनों वेरिएबल को ऐड कर देंगे तो आपका एडिशन आ जाएगा दो नंबर का। तो कैसे करेंगे इस काम को, यहाँ पे सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्लास प्रोग्राम है, मेन मेथड है। मेन मेथड को यहाँ पे पब्लिक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, सी शार्प में ऑप्शनल होता है, तो अभी रहने देते हैं पब्लिक। तो पहला नंबर मान के चलो मैं, मुझे 10 लेना है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम ए बना रहे हैं, इसमें 10 रख दे रहे हैं। सेकेंड नंबर हमारा 20 होगा, तो बी नाम के वेरिएबल में 20 आ गया, ठीक है। दो नंबर हो चुका हमारे पास, अब करना है क्या, इनको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है एडिशन का, ए प्लस बी, बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। प्रोग्राम को सेव करना है और कंट्रोल अल्ट एन कर दो, ये कोड क्या होगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारा आउटपुट 30 प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब 10 और 20 क्या हुआ है, ऐड हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे नंबर चेंज भी कर सकते हो, जैसे इसको 100 कर दो, इसको 240 कर दो। प्रोग्राम को सेव करो, फिर से रन करो, तो अभी इन दोनों का एडिशन आप 340 यहाँ पे रिजल्ट के फॉर्म में देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले रहा मेरा सिस्टम, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ चुका है। अभी यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन इस काम को आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से और कर सकते हैं। आप एक रिजल्ट वेरिएबल बना लो, और उसमें क्या करो, आप उस रिजल्ट वेरिएबल में सबसे पहले आप ए प्लस बी कर दो, उसके बाद उसको एक आर वेरिएबल में स्टोर कर दो, सॉरी यहाँ पे आर में उसको स्टोर कर दो, ठीक है। ये वीएस कोड ना बहुत रिकमेंडेशन करता है, यहाँ पे इसको आर को प्रिंट कर दो तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेम रिजल्ट प्रिंट होगा 340, क्योंकि सेम नंबर है। अभी यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे, रन टाइम में वैल्यू, मान के चलो ये वैल्यू मुझे आउटपुट स्क्रीन में इनपुट लेनी है, कैसे करेंगे, फॉर्मूला सेम यही रहेगा, इसको रहने देते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट, ठीक है, एक मेथड है राइट, इसमें मैसेज पास करना पड़ेगा। इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपको आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा, एंटर एनी टू नंबर, ठीक है, टू नंबर्स। उसके बाद क्या करना है, आपको नंबर इनपुट करने हैं। तो नंबर आप कैसे इनपुट करेंगे, सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आपको लिखना है सबसे पहले कन्वर्ट, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है, ये मेथड 32 वाला यूज़ कर रहे हैं हम। और इसके अंदर में आपको फिर से लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइन मेथड यूज़ करना है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू इनपुट होगा उसको हम अपना पहला वेरिएबल ए में इनपुट करेंगे, ठीक इसी लाइन को कॉपी करेंगे। हमें एक और ऐसा ही वैल्यू इनपुट करना है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वेरिएबल बी में इनपुट करेंगे। उसके बाद ए बी में वैल्यू इनपुट करने के बाद ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम चाहते हैं मैसेज भी दे दें, तो ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए सम ऑफ टू नंबर्स, ये मैसेज के साथ रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। यहाँ पे टू वेरिएबल्स कर दे रहे, ठीक है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन, यहाँ पे बोलेगा हमें एंटर एनी टू नंबर्स, तो पहला नंबर हम इनपुट कर देते हैं कुछ भी, ठीक है, और दूसरा नंबर भी हम इनपुट कर दिए। अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में यही वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं,
सीसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको तीन नंबर बोल दिया जाए ऐड करने के लिए, तब आप एक और वेरिएबल बनाएंगे, ए बी की तरह सी बना लेना और ए प्लस बी प्लस सी कर देना और उसको प्रिंट कर देना, तो आपका तीन नंबर ऐड हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।